सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे जो पिताजी निर्दोष है वो जल्दी जल्दी हमें बीच में आ जाए। नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं डेरा सच्चा सौदा बरनावा आश्रम में। यहाँ आप देख सकते हो हमारे साथ लगातार पब्लिक जुड़ रही है। इनसे भी बातचीत करके जानते हैं कि इनका अनुभव क्या कहता है डेरा सच्चा सौदा संस्था वैसे डॉक्टर गुरमीत रामरीम सिंह जिनसा के लिए। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम जी? रेखा इंसा। रेखा जी, कितने समय से आ रहे हो डेरा सच्चा सौदा? करीब 20 साल। कितना विश्वास करते हो? 100% क्यों विश्वास करते हो? क्या आपकी जिंदगी में बदलाव आया जो आज भी आप विश्वास करते हो? जी हम तो जो दुनिया में से उजड़े हुए थे वो हम पिताजी की रहमत से ही बसे हुए हैं, और इस बात का हमारी जीव जो है बयान भी नहीं कर सकती जितना हमने कुछ देखा है। क्या काम करते हैं संत जी समाज के लिए, लोगों के लिए? लोगों के लिए बस जी यही है, जो जैसा पिताजी ने हमने जोड़ा है भाई, नाच दान करना, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना। और ये आपको लगता है आज उनकी जरूरत है समाज को? जी बिल्कुल, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है। क्यों जरूरत है उनकी जरूरत क्यों है? उनकी जरूरत ये है जैसे कि मछली जल बिना रह नहीं सकती, ऐसे संसार में जो मतलब जलता भरता एक भट्टा है, पब्लिक इतनी परेशान है अपने कर्मों के द्वारा। एक जो हमारे संत हैं गुरमीत राम रहीम सिंह साहब जी, उन्हीं के बिना तो कोई भगवान दुनिया में हमें तो नजर नहीं आता। क्या मांग करना चाहते हो आप सरकार से? सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे जो पिताजी निर्दोष है वो जल्दी जल्दी हमें बीच में आ जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जनता की मांग है कि सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिनसा जल्द से जल्द समाज में वापस आए। आप भी देखते रहिए जनता की आवाज़, द फैक्ट टाइम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe to our channel and press the bell icon.